एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं अपने नए फोन से शूट कर रही हूँ। पुराना फोन मेरा गीला, जिससे मैं शूट कर रही हूँ वो मेरा नया है। मैं आपको दिखाऊंगी मेरा नया फोन किस कंपनी का और कैसा है। मुझे तो इसका कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा। आप बताना कमेंट में कैसा लगा। और गाइस, आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने अपना एक नया चैनल खोल दिया। उस पर आपको मेरी इस जैसी वीडियोस नहीं मिलेंगी, उस पर मिलेगी जैसे गेट रेडी विद मी एंड हेयर स्टाइल, कुछ ऐसे तरीके की वीडियोस मिलेंगी। और ये आपने इतना ज़्यादा प्यार इस चैनल पे दिया, प्लीज़ सपोर्ट मुझे उस चैनल पे भी करना। इतना ज़्यादा अपना प्यार भी मुझे देना उस चैनल पे। और गाइस, मेरी लॉन्ग वीडियो बहुत दिन के बाद में आ रही है, क्योंकि ये फोन पूरा हैंग हो चुका है। इसमें देखो आप, पूरा ये ऐसे लाइन आ रहा है, इसकी पूरी डिस्प्ले जा चुकी है। से कैमरा भी इसका बढ़िया नहीं था तो सूट नहीं होता था। तो अभी ये नवरात्रे चल चुके हैं और मैं पूरी नवरात्रे व्रत रखा है मैंने, तो अभी मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। तो मिलते हैं आपको। पीछे से मेरे फ़ोन की ऐसी लुक है। और गाइस, ये पूरा पीछे से ऐसे पूरी लेदर की फिनिशिंग है। और गाइस, मेरा फ़ोन मोटरोला G45 है, आपको दिखा दूँ मैं। ये रहा, कुछ ऐसी पैकेजिंग में ये आया था। और इसका चार्जर भी 20 वाट का है, तो बहुत ही अच्छा है। और गाइस, ये इतनी कम रेंज में ना, तो आपको इतना बेस्ट फ़ोन मिल रहा है। इसके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब ये मेरे को कुछ 12-13 हज़ार के आसपास लगा। और गाइस, ये फ्लिपकार्ट अमेज़ोन सब पे अवेलेबल था, बट उधर से मैंने नहीं मंगाया, क्योंकि हमारी सिटी में कोई भी डिलीवर नहीं कर रहा था इसी को। तो हमने अपने बाज़ार से पूछ के दुकानों से, तो मिल गया ये हमें। और इतना अच्छा लुक आ रहा है ना इसका, मुझे बहुत ही बेस्ट लगा। और कलर ये लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप भी इसे परचेज़ करना चाहो तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। इसकी कैमरे की लुक, मुझे खासकर कैमरा चाहिए था फ़ोन का, तो इसका कैमरा भी बहुत ही अच्छा है, जितना मेरा पहले फ़ोन में नहीं था इतना अच्छा कैमरा। और मेरा पहला फ़ोन सैमसंग का था, जो मैंने लॉकडाउन में लिया था मेरी मम्मी ने पढ़ाई की वजह से भैया की। और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये फ़ोन, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो बस यही बताना था मुझे आप सभी को। तो बस ये, अभी मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई करनी थी, क्योंकि मेरे पेपर्स आ रहे हैं, तो अभी उसकी भी तैयारी करनी है। तो अभी मैं पढ़ाई नहीं, थोड़ा डेकोरेट कर रही थी अपनी फेयर को। तो मेरी राइटिंग कैसी है आप कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ उसमें डेकोरेट। तो कुछ ऐसी राइटिंग है मेरी फेयर में, तो बताना गाइस कैसी अच्छी है। मुझे तो अच्छी नहीं लगती, बट मेरे क्लासमेट और मेरी मम्मी कहती हैं कि तू तेज़ लिखती है और तेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। तो मुझे तो नहीं लगता, बट आप कमेंट बताओगे तो देखो गाइस। मैंने कुछ इस तरीके से, अभी ये चैप्टर मेरा भी चेक होगा, ये अभी किया है मैंने। तो ये है मेरी साइंस की, तो आपको मैं दिखाती हूँ। मैं इसमें फिगर्स वगैरह बनाए थे, उस पर मुझे एक्सीलेंट बहुत कुछ मिला। तो देखो, पहले तो ये बनाई थी मैंने वाटर साइकिल, फिर लॉन्ग क्वेश्चन की, देखो कितनी अच्छी तरीके से डॉक्टर डेकोरेट करे थे। और ये है, इसमें मुझे एक्सीलेंट दिया सर ने। और पूरी, मतलब ये नोटबुक पूरी गुड से और ऐसे भरी पड़ी है। तो देखो, इस पर भी, इस चैप्टर पे राइटिंग बहुत अच्छी लगी, ये राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे गुड भी, और सीन पूरा मतलब लास्ट हो गया था पूरी साल का। तो ये है मेरी पॉलिटिक्स की, और इसको भी दिखाऊंगी आपको इसकी राइटिंग कैसी है। और मैं अपनी फेयर ऐसे डेकोरेट करती हूँ, कंप्यूटर और इंग्लिश सेकंड और इंग्लिश फर्स्ट। और इंग्लिश फर्स्ट मैंने आपको दिखा दिया, पॉलिटिक्स भी। अब मैं दिखाऊंगी इंग्लिश सेकंड, इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी राइटिंग की है। ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें ऐसे जड़ा के लिखती हूँ ना सब, एक एक वर्ड को। वरना किसी किसी में मैं जल्दबाजी में ऐसे कर देती हूँ उबड़ खाबड़। तो ये मेरी पूरी ऐसे अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखी है मैंने, बस इसमें इतना ही वर्क कराया है। और यह है कंप्यूटर की, इसमें भी सब गुड से भरा पड़ा है। तो देखो, पहले ये मैंने बनाया था, बढ़िया बनाया एकदम फर्स्ट टाइम, और पहली बार में कोई रेज करने का मतलब ही नहीं था।
तो गाइस ये रहा इसमें गुड़, गिनते रहना कितने गुड़ हैं, एक गुड़, दो गुड़, तो गुड़ की कमी नहीं रहेगी। जाढ़े तो आ ही रहे हैं, तो अब गुड़ की तो मुझ पे कोई कमी नहीं है। एंड गाइस आपको भी ऐसे गुड़ मिलते हैं तो आप जरूर बताना कमेंट में। और गाइस देखो मैंने अपने घर पे ना माता जी की मूर्ति बनाई है। मतलब हमारे गांव में ऐसा माना जाता है जब नवरात्रे आते हैं तो मतलब हम अपने घर पे वो बनाते हैं, ऐसे कैसी भी मूर्ति बना सकते हो। और इनको ना 9 दिन अपने घर पे रखते हैं, इनकी पूरी सेवा करते हैं, जोत जलाते हैं, खाना खिलाते हैं, सब काम होता है इनका। और फिर मतलब नौमी या फिर दशहरे के दिन इनको इनका विसर्जन होता है। तो किस किस के यहाँ पे ऐसा होता है वो कमेंट में बताना। जैसे गणपति बाबा का होता है ना ऐसे होता है, तो मैंने यहाँ पे बनाई है और यहाँ पे मैंने जय माता दी भी लिखा है। आपके यहाँ पे होता है ऐसा, जिस जिसके यहाँ पे होता है वो कमेंट में बता देना। बस आज के लिए इतना ही। और गाइस और एक और बात बताऊँ मैं आपको, हमारे यहाँ ना मतलब कुछ लोग ऐसे आते हैं, मतलब कुछ बच्चे आते हैं जो उनको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मैं खुद ही भूल गई। मतलब वो आते हैं, वो कुछ ऐसा गाते हैं मैया के गीत शायद, ऐसे वो बाजरो माजरो पता नहीं ऐसे कुछ गाते हैं, जैसे चटकुले वगैरह गाते हैं वो। और उनको फिर हम नाच देते हैं और फिर वो चली जाते हैं। मतलब पूरे दिन, मतलब 9 दिन ही आएंगे वो ऐसे नाच लेने के लिए और ऐसे चटकुले गाने के लिए। तो हम फिर उन जो नाच हम उनको देंगे उनको बेच के पैसे वगैरह ले लेते हैं और दशहरा देखने जाते हैं। फिर तो कुछ ऐसे मांगते हैं जिस किसके हाँ ऐसा ये सब होते हो ना वो कमेंट में बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वो आएंगे ना तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगी जरूर, वो मैं वीडियो लगा दूंगी बाद में। तो आज के लिए बस इतना ही। और मेरे ब्लॉग को प्लीज़ प्यार बहुत ज़्यादा देना, 100 से ऊपर व्यूज नहीं आते हैं इस पर, इसीलिए मुझे बहुत ही बुरा लगता है। बट मुझे बहुत ही ज़्यादा विश्वास है कि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को मोनिटाइज कराएंगे जल्द से जल्द, प्लीज़ प्लीज़। एंड यहीं को आज का ब्लॉग एंड होता है। एंड टेक केयर एंड बाय। Thank you for watching this video and bye bye guys.